हाय एवरीवन, आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए होममेड फेस क्रीम लेकर। ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है और बहुत सूदिंग है। इससे आपके फेस पर एक नेचुरल एंड ब्राइट ग्लो आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कांच की कोई भी बॉटल ले लीजिए जो कि साफ़ और सूखी हो। उसमें 3 टीस्पून एलोवेरा जेल ले लीजिए। एलोवेरा जेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स तो आपको मालूम ही है, बहुत ज़्यादा हैं। ये फेस को ग्लो करते हैं और फेस से ड्राइनेस को रिमूव करते हैं। तो मैंने ले लिया एक अच्छा सा नेचुरल कंपनी का 3 टीस्पून एलोवेरा जेल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। इसको बादाम रोगन भी बोलते हैं। ये मैंने हमदर्द का लिया है जो कि बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके बाद आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएं, वहाँ से विटामिन ई की ये इवियन नाम से 400 कैप्सूल्स मिलते हैं। इसमें विटामिन ई होता है एकदम प्योर। इसको किसी भी सीज़र की मदद से कट कर लीजिए और इसके अंदर जो भी ऑयल होता है उसको अपनी क्रीम में मिला लीजिए। विटामिन ई के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और ये आपकी स्किन को यंगर लुक देता है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते करते आप देखेंगे कि जो जेल था वो एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाता है और जो आलमंड ऑयल होता है वो आपके ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव करता है, एक्ने के मार्क्स को रिमूव करता है, सन डैमेज को रिमूव करता है और आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं उनको भी रिमूव करता है और आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। लेट्स सी। थोड़ी सी क्रीम मैंने अपने हाथ पर लगाई है और आप देख सकते हैं कितना शाइनी मेरा हाथ नज़र आ रहा है और ये क्रीम जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ब्राइट और ग्लोई स्किन हो जाती है। मैं काफ़ी सालों से अपनी होममेड क्रीम का ही इस्तेमाल करती हूँ। मार्केट की क्रीम्स भी लाती हूँ लेकिन ज़्यादातर होममेड क्रीम्स को ही यूज़ करती हूँ। आपको अगर कोई मार्केट की क्रीम ही यूज़ करनी है तो आप ये इन्ग्रीडियंट्स उसमें भी मिक्स कर सकते हैं। तो फिर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।